सो लेट्स स्टार्ट. रेखा जी, थैंक यू सो मच सर. यू विल स्टार्ट. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आज आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और मैं थैंक्स करना चाहूंगी अगेन आवर मेंटर प्रदीप सर एंड प्रिया मैम का, अपने अप्लायंस गिरीश सर एंड ऑल अप्लायंस का, जिनकी वजह से आज मैं मोदी केयर में हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. और थैंक्स करना चाहूंगी अपनी टीम का जो कि हर टाइम मेरे साथ हैं, ऑल टीम का थैंक्स करना चाहूंगी. और थैंक्स करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब से मेरे साथ इस बिजनेस में आए हैं, हम एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 हो गए हैं. तो अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू, और वेलकम करना चाहती हूँ सभी लोगों का जो भी आज यहाँ पे हैं. अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्योंकि कुछ सवाल सर मुझे आते हैं, मैं लोगों से बात करती हूँ कि आप आज भी की मोदी केयर में आइए, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि मुझे 2.5 साल हो गए मोदी केयर में आए हुए, और मैं देख रही हूँ 2.5 साल से कि जो मैं, और जैसे कि सर ने कहा कि मैं किसी और कंपनी में भी पहले काम करती थी. मैंने जब सबसे पहले ये नेटवर्किंग देखी, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कहना चाहूंगी कि आज लोगों के पास इतने बहाने होते हैं कि हम महंगा है, ये है वो. मैं तो मतलब मुझे हमेशा एक मैं इसकी खोज करती थी कि मुझे कोई एक ऐसी चीज मिले कि जिसमें कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, अपने आप को प्रूफ कर सकूं कि मैं भी कुछ हूँ इस इतनी प्यारी सी दुनिया में, मेरा भी कहीं पे थोड़ा सा एक नाम हो, मैं भी कहीं बिना नाम के इस दुनिया से चली ना जाऊं. तो मैंने देखा, जैसे ही मुझे पता लगा कि ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें एक हाउसवाइफ या एक मामूल एक टीचर या कोई भी इंसान जो कि बहुत ज्यादा ग्रेजुएट मतलब बहुत ज्यादा डिग्री उसके पास नहीं है, और वो उसके पास उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, अपने आप को प्रूफ कर सकता है. तो सबसे पहले मैंने ही हाथ उठाया था और मैंने इतने दिल से इस बिजनेस को किया कि रात को भी मेरा मन करता है कि मैं रात को भी इसमें काम करूं, दिन में भी. मतलब यहाँ तक कि जैसे कि कहते हैं कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सो के देखते हो, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंख से देखते हो. उस तरह से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, बहुत अच्छे से शुरू किया था. ये आज हम यहाँ पे मोदी केयर में प्रोडक्ट देखे तो इतने कम रेंज में मुझे उस हिसाब से लगते हैं, क्योंकि मैंने 2200 की एक एक कॉस्मेटिक देखी है उस कंपनी में, और मैंने 10,000 की किट सेल की है सर. लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे मैंने मतलब काफी अच्छा मैंने काम किया वहाँ पे. लेकिन मैंने ये देखा है कि विदेशी जो कंपनी होती है वो हमारी जेब में पैसे डालने नहीं आती, वो हमको सिर्फ दौड़ाने आती है. तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं मैं वो सब छोड़ के और यहाँ पे आई हूँ. तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ. यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम अपनी जॉब में खुश हैं और हम शांति से जीना चाहते हैं, हम नेटवर्किंग में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हमें ये भाग दौड़ हाई तो वही ये सब पसंद नहीं. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप देखिए क्या जरूरत है, क्या होता अगर मुकेश अंबानी एक पेट्रोल पंप चलाते, क्या जरूरत पड़ी उन्हें नेटवर्क बनाने की, क्या होता अगर जुगरबर्ग एक साइबर कैफे खोलकर अपनी जीविका चलाते, क्यों जरूरत पड़ी उन्हें फेसबुक का नेटवर्क बनाने की. आप सभी जानते हो आज फेसबुक को, ऐसा कोई नहीं है जो फेसबुक को नहीं जानता है. क्या होता अगर गौतम अडानी एक किराने की दुकान में एक एक लीटर तेल नाप के बेचते, क्यों जरूरत पड़ी उन्हें अडानी ग्रुप का नेटवर्क बनाने की. क्या होता अगर भावेश अग्रवाल खुद अकेले एक टैक्सी चालक अपनी जीविका चलाते, क्यों जरूरत पड़ी उन्हें ओला ओवर ओला टैक्सी का नेटवर्क बनाने की. दोस्तों, आज हम देख रहे हैं, हम घर बैठे यहाँ पे अपने ऑनलाइन ओला ओवर बुक करा रहे हैं, हम फेसबुक चला रहे हैं, और आज हम खाली काम हम चला रहे हैं. और उन लोगों ने क्या किया है, आप देख सकते हो कि उन लोगों ने कोई अपना उनका कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऐसी चीज नहीं, उन्होंने सिर्फ एक नेटवर्क जोड़ा, और आज वो कितने हम अमेजिंग भी नहीं कर सकते कि वो कितना वो यहाँ से उनकी जो है अर्निंग होती है. और दूसरी बात कि उनका जो नाम है वो हमेशा ही चलता रहेगा, हमेशा भी. आज कौन नहीं जानता मुकेश अंबानी को, कौन नहीं जानता गौतम अडानी को. तो क्यों जरूरत पड़ी उनको,
हम लोग क्यों ऐसे कहते हैं, हाँ ठीक है कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, मेरा यही मानना है वो बहुत बड़े लेवल का डॉक्टर है, बहुत बड़े हॉस्पिटल का है, गवर्नमेंट का है, MBBS है, कल के दिन जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो कौन उसका नाम करेगा? सिर्फ उसकी फोटो रहेगी दीवार पे, और उसके बच्चों को भी टाइम नहीं होगा कि वो फोटो पे एक बार नजर मार ले। दोस्तों अगर आज इस बात को समझने की जरूरत है, आज हम कोरोना में देख रहे हैं, हमने सोचा था 2020 का जो नई सेंचुरी का जो टाइम आएगा तो हम क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन देखिए टाइम का खेल, मतलब समय की मार देखिए, आज हम हाथ धोना सीख रहे हैं और हाथ धोना सिखा रहे हैं, कब कैसा टाइम आ जाए हम किसी को हम में से पता नहीं है। इसलिए हमें प्लान बी कुछ तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब हमारी जॉब ना रहे तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसी बात पे आज हम आगे बढ़ेंगे। आज 1% लोग हैं ऐसे इंडिया में जो अब इस चीज को समझ रहे हैं, अभी सिर्फ 1% लोग ही हुए हैं जो समझ रहे हैं और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप अगर देखे कि परिवर्तन क्या है, बदलाव क्या है, बदलाव ही दुनिया का नियम है। स्टील, पहले स्टील आया उसका दौर चला, फिर प्लास्टिक आया उसका दौर आया, फिर टेक्नोलॉजी का दौर आया। पहले टाइम पे शुरू शुरू में जब कंप्यूटर आए तो क्या हुआ, हम देखते थे जो लोग थोड़ा सा कंप्यूटर सीख जाते थे उनको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती थी, लेकिन आज आप देखिए ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं जिसको कंप्यूटर नहीं आता, जिसके हाथ में आज स्मार्टफोन नहीं है, जिसके पास आज लैपटॉप नहीं है। क्या आज अच्छी एक डिग्री लेके कंप्यूटर में क्या आपको कहीं जॉब के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, क्या आपको तुरंत जॉब मिल जाती है? गया दोस्तों, गया दौर गया, और अब जो दौर आया है हम उसके बारे में बात करेंगे और उसे यहाँ पे आज अच्छे से समझेंगे कि क्या है, क्योंकि आज जो भी आज हम अगर इस फोन के जरिए, आज जूम के जरिए जो हम आज आपको कुछ भी आज बता पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो ये भी एक परिवर्तन ही है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने सपनों को खुलकर जीना चाहते हो, बिना किसी सीमा के, बिना किसी बंदिश के आजादी से जीना चाहते हो? अगर आपका जवाब है हाँ तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करना चाहूंगी मोदी केयर की इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेशन में जिसका नाम है परिवर्तन। दोस्तों परिवर्तन ही दुनिया का नियम है, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारे समीर मोदी जी भी कहते हैं कि पहले अपनी सोच बदलो, खुद को बदलो, देन दुनिया बदलो। आइए देखते हैं, अब हम सब कुछ इस तरह से सपने देखते हैं, हम लोग चाहते हैं लग्जरी कार, एक बिग हाउस, वर्ल्ड टूर, हम चाहते हैं क्वालिटी टाइम अपने फैमिली को देना। कई बार हमारे पास बहुत पैसे होने के बाद भी हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम अपने बच्चों के पास 2 मिनट बैठ जाएं, तो क्या हम अपने आप को आजाद फील करते हैं? हम चाहते हैं क्या हमारे बच्चे आज बेस्ट एजुकेशन ले रहे हैं? क्या सिक्योरिटी है हमारे पास आज? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा मान हो, सम्मान हो, हमारी बैंक बैलेंस हो? और दोस्तों आज कोरोना के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे लोग चैरिटी भी कर रहे हैं, तो क्या हम चैरिटी कर पा रहे हैं? हमारा भी मन करता है हम भी कुछ दान पुण्य करें, लेकिन हम खुद भी अगर अपने आप को सेफ्टी फील करें कोरोना के टाइम पे, हमारी जॉब रहे तभी तो हम आगे जाके कोई चैरिटी कर पाएंगे। ये सपने हमारे कैसे पूरे होंगे दोस्तों? सबसे पहले रियलिटी ये भी है, सच्चाई ये भी है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई, आप मैं देख सकते हो अगर 1960 में 100 रुपए में घर चल जाता था तो आज 2020 आते आते 1 लाख रुपए मंथली इनकम में भी आपकी सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो रही है, आप कोई भी लग्जरी यहाँ पे नहीं जी सकते हैं। तो क्या है ऐसा कि हम क्या करें, हम ऐसा कि हमारे जो ड्रीम है, हमारे जो सपने हैं, हम जो चाहते हैं एक इंसान होने के नाते वो पूरा हो सके, इसके लिए हमारे पास जो प्लान है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक 40 साल पुराने प्लान की, जिसको जो कि एक क्रिएट करता है एक्टिव इनकम। दोस्तों जैसे कि हम जब पढ़ रहे होते हैं बचपन से ही हमारे माँ बाप सब हमें यही सपने दिखाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो और जॉब करो, पढ़ो लिखो और जॉब करो, यही हमारा माइंडसेट होता है और हम भी आज यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। तो जब हम 18-20 साल के होते हैं, अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद चाहे हम
एक गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे हम एक प्राइवेट जॉब करें, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉय हो, माना हमने कोई मोबाइल का या कोई राशन की दुकान खोल के हम सोचते हैं हम बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो, भले ही किसी और का नौकर नहीं होता है लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय होता है। या कोई प्रोफेशनल होते हैं जैसे डॉक्टर, कोई सीए या कोई अकाउंटेंट, ये सब वकील, ये सब भी सोचते हैं हम बहुत बड़े, मतलब बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब वो बीमार हैं या जब उनका कहीं और, माना एक एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर 2 दिन क्लिनिक नहीं जाएगा तो क्या उसके घर में इनकम आएगी? वो उसका सेटर जब खुलेगा तब उसके घर में इनकम आएगी। तो इसका मतलब है कि जब हम काम करेंगे, जब हमारे जब काम होगा तो इनकम आएगी, एक्टिव इनकम। और दूसरी बात, जब हम इस इनकम को जी रहे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक टेंशन भरी जिंदगी जीते हैं कि आज तो हम ये जॉब कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर सही है, हमारी हेल्थ सही है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी हेल्थ सही नहीं रहेगी, तब हम क्या करेंगे? तो आज से ही हमें अपनी जो इनकम है उसमें से हमें सेविंग भी करनी पड़ती है। तो क्या करते हैं हम अपने खर्चों को बचाते हैं, हम महंगी चीजों को, हम अपने बच्चों को ऐसी दुकानों में नहीं लेके जाते हैं जो अफोर्ड ना कर पाए हम। मैं एक आवाज आ रही है, मैंने अभी मैं कविता दोस्ती सर, मैं आपको, आप अनम्यूट हो सर, हेलो कविता जी। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? जी जी मैम। तो हम कहीं ना कहीं हम वो जो एक्टिव इनकम हम ले रहे होते हैं, हम पूरी एक अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, और हमेशा हम इसी सोच में अपनी जिंदगी बिता देते हैं कि कल का क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद हमें अपने बच्चों पे डिपेंड रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह की इनकम ये जो एक्चुअली जो ले रहे हैं आजकल लोग, ज्यादा से ज्यादा 95% लोग दुनिया के जो है इसी तरह की इनकम ले रहे हैं। और अगर हमें 95 की जगह 5% पे आना है तो एक और इनकम है जो है हमारे पास आजादी प्लान, जिसको कि हम पैसिविंग इनकम कह सकते हैं। और ये पैसिविंग इनकम में आपको ये प्लान जो है हमारा 2 से 5 साल तक का प्लान है, जहाँ पे हमें शुरू में आप यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हो कि आपका जो मेहनत है, जो आपका एफर्ट है वो ज्यादा है, धीरे धीरे आपका जो मेहनत है वो उसका ग्राफ नीचे आता जा रहा है, नीचे आ रहा है, और आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। और एक ऐसा टाइम आता है जब आप जो है मेहनत ना भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपके घर इनकम आए। तो दोस्तों, देखते हैं ऐसी इनकम आप कौन कौन ले सकता है। सबसे पहली बात है, या तो आप कोई बुक राइटर हो, आपने कोई ऐसी बुक लिखी हो, वो जब जब सेल हो, जब जब वो छपेगी तब तक आपके घर में इनकम आएगी। या फिर आप एक ऐसे सिंगर हो, प्रोफेशनल सिंगर, जैसे कि लता मंगेश या किशोर कुमार। किशोर कुमार आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सीडी, उनकी उनके गाने जब जब रिलीज होते हैं उनके परिवार को रॉयल्टी आती है। तो दोस्तों, ये सब चीज तो हम है नहीं, बड़े बड़े लेख बुक लिखना तो दूर की बात है, हमें एक निबंध लिखना नहीं आता हमें। और दूसरी बात है कि बाथरूम सिंगर तो कोई भी बन जाता है, प्रोफेशनल सिंगर बनना कोई आम बात नहीं है। तो हम क्या करें? तो इसके बाद जो हमारा ये आता है कि हम ऐसा क्या करें, तो हम आपको के लिए आज लेकर आए हैं, और वो प्लान नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट को समझना होगा। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट वो मार्केट है जहाँ से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे सब लोग जो है कहीं ना कहीं से सामान लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई फैक्ट्री है, वहां पे 35 रुपए का सामान बनता है, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और आप तक आते आते वही सामान उसका जो उसकी जो कीमत है वो 100 रुपए हो जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इन सब का जो यहाँ बीच में इनकी इन सब की जो जेब में पैसा जाता है वो भी यही हमारी जेब से जाता है। और सबसे बड़ा महंगा जो है वो है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। एक सुपरस्टार को हायर किया जाता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, माधुरी दीक्षित हो, सलमान खान हो, और वो कहते हैं हमारी खूबसूरती का राज लक्स है, और इस वजह से सामान का एड होता है तो लोग खरीदते हैं। और ये ट्रेडिशनल मतलब पुराना बिजनेस हमेशा से चलता आ रहा है।
इसके बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे कंपनी में कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, और फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर जुड़ा होता है, और बीच का जो ये मिडिल मैन है, इन सब का हिस्सा कंपनी हम सबको वापस बांटती है, और इस तरह से हम लोगों की इनकम बढ़ती है, हम लोगों के सपने पूरे होते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट हैं, यहाँ पे जो दिए गए हैं वो 8 तरीके के हैं। सबसे पहली बात है लो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। साउंड कहीं से आ रहा है? जब यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना, जब यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं है तो रिस्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, और यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप कितने टाइम पे कितनी इनकम ले सकते हो, अपने आप को आप प्रूफ कर सकते हो। दूसरा, ये आप एक फैमिली बिजनेस है, जैसे मैंने शुरू किया, फिर मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, इस तरह से हम लोग फैमिली मिलके, सब कोई भाई बहन है, कोई भी मिलके इसको कर सकते हैं। ये ट्रांसफरेबल है, माना आज मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, और इसके बाद ये हमारे बच्चों को ट्रांसफर होगा। क्या आप जॉब में ये सब आपको लगता है हो पाएगा? क्या एक इंजीनियर है तो उसके बेटा, उसका बच्चा अगर मेहनत नहीं करेगा तो क्या वो दोबारा इंजीनियर हो सकता है? यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि आप पहले क्या है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं मांगी जाती है कि आप यहाँ पे कोई डिग्री लाए, यहाँ पे बस आप ये मायने रखता है कि आप कुछ करने की चाहत रखते हो। एक पैसिव इनकम है कि जब आप आज हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम काम नहीं करें तब भी हमें इनकम आती है, तो एक पैसिव इनकम है। और एक ये इसे आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम में कर सकते हो, जब आपको लगे कि आपको जॉब से ज्यादा यहाँ पे आने लग गया है तो आप धीरे धीरे इसको फुल टाइम भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा कौन क्या है जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं कर रही हूँ, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है मोदी केयर। दोस्तों, मोदी केयर भारत में 23 मार्च 1996 को समीर मोदी जी ने मोदी केयर की स्थापना की थी, और ये इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इससे पहले जो भी कंपनी थी वो सारी विदेशी कंपनी थी, तो इसको डायरेक्ट, भारत की डायरेक्ट सेलिंग की जननी भी कहा जाता है। दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट जो है किसी ना किसी जरूरत को पूरा करता है। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, वैसे तो बहुत प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट बांधते हैं, एक प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट को बांधता है, और वो है आजादी। और ये यहाँ पे हमारी जो जरूरत पूरी करता है, वो एक किसी एक जरूरत को पूरी नहीं करता है, बल्कि हमारे सारे सपने, जो भी हमारे सपने होते हैं, इंसान के सपने होते हैं, वो यहाँ पे मोदी केयर आपके पूरे कराती है। दोस्तों, मोदी केयर बिलोंग करती है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से, जो कि 1933 में स्वर्गीय श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 400 रुपए लेकर बेगमाबाद में से स्टार्ट किया था, और बेगमाबाद आज मोदी नगर से जाना जाता है। और राय बहादुर गुजरमल मोदी जी न सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन थे, बल्कि बहुत अच्छे देशभक्त भी थे, जिसके लिए उनको 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया, और उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। दोस्तों, 1933 से 1972 तक इन्होंने यहाँ पे 27 अलग अलग इंडस्ट्री की स्थापना की। इनके बाद इनके बेटे हुए के के मोदी जी, इनके बड़े बेटे के मोदी जी हुए। इन्होंने अपने बिजनेस को इंडिया में तो टॉप लेवल पे लाए, लेकिन इन्होंने 90 देशों में अपने बिजनेस का परचम फहराया, और ये 65 हजार करोड़ टर्नओवर के आज इस कंपनी को बनाया। यहाँ पे 28,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो है इनके छोटे बेटे समीर मोदी जी ने मोदी केयर की स्थापना की। दोस्तों, मोदी केयर में लाखों कंसल्टेंट काम करते हैं। मोदी केयर मेंबर है IDSA की। IDSA एक ऐसी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग कंसल्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनियां हैं उनके हितों की रक्षा करती है, उनको देखती है। दोस्तों, मोदी केयर कई अवार्ड, कई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है। मोदी केयर विनर है कई अवार्डों का। मोदी केयर अपनी एक्सीलेंट मैन्युफैक्चरिंग और GMP से सर्टिफाइड है। दोस्तों, अब बात आती है मोदी केयर प्रोडक्ट की। दोस्तों, हमने जो पहला पी देखा वो था हमारा बैकग्राउंड,
हमारी कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। अब बात आती है हमारे प्रोडक्ट की। दोस्तों मोदी केयर 600 से ज्यादा प्रोडक्ट और 11 कैटेगरी में लेके आया है आपके लिए, जिसमें हेल्थ से हेल्थ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक हो गया, आपका लॉन्ड्री केयर हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, होम केयर, स्किन केयर, ऑटो केयर, फूड एंड बेवरेज, आपका पर्सनल केयर एंड ज्वेलरी, और हर मंथ नए नए प्रोडक्ट मोदी केयर लेके आ रहा है, जो कि एक उभरती हुई कंपनी का साइन है। तो दोस्तों हमारे प्रोडक्ट अगर मोदी केयर आज जाना जाता है एक अच्छे प्रोफाइल के लिए, तो मोदी केयर जाना जाता है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट से। इसकी क्वालिटी, मोदी केयर की क्वालिटी से ही इसके प्रोडक्ट जाने जाते हैं आज। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके डेमोंस्ट्रेशन पे जाना चाहूंगी कि हम ये देखना चाहेंगे कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो और बाहर के प्रोडक्ट किस तरह से ये उनके कंपेयरमेंट में ज्यादा बेटर हैं, और इन प्राइस वाइज, इनकी क्वालिटी वाइज किस तरह से ये हम दूसरे कंपनियों से बेटर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिक डेमो हम दिखाना चाहेंगे। हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं, किसी कंपनी की हम यहाँ पे बुराई नहीं करेंगे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो मैं वापस जाना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं सुनीता खंडूड़ी जी। सुनीता खंडूड़ी जी थोड़ा हैंड रेंज करेंगे आप? सुनीता खंडूड़ी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, यस मैम अभी ऊपर कर थोड़ा सा मेरे फेस। ओके आ रही हूँ, आ रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैम मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहती हूँ रेखा मैम का और अपने ग्रेट अपलाइंट प्रदीप वर्मा सर का, जिन्होंने मुझे आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा नाम सुनीता खंडूरी है, मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पर हूँ और ईस्ट दिल्ली में वेस्ट नोन नगर में एक डीपी ऑनर भी हूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि मोदी केयर का है, माइटी इनवन मल्टीपर्पज क्लीनर, इसका डेमो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व कुछ जानकारी भी इसके बारे में देना चाहती हूँ। यह एक क्लीनर है, मल्टीपर्पज क्लीनर है, जो कि एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और जिससे कि 99.9% जर्म्स किल भी किए जा सकते हैं। दोस्तों इसको हम फ्लोर पर, वॉल्स पर, काउंटर, जो शॉप्स के काउंटर्स होते हैं उन पर भी यूज कर सकते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। इसी तरह से ग्लास हो गया, मेटल हो गया, हमारे जो बाथरूम के टाइल्स होते हैं, जो फिटिंग्स होते हैं उनको भी अच्छे से क्लीन किया जा सकता है व जर्म्स फ्री किया जा सकता है। ग्रीस के जो दाग होते हैं ना, ग्रीस, उसको भी हम इससे साफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेड ऑडियोर होती है, जो बेड स्मेल होती है, जैसे हमारी जो कार्स होती है उसके स्टेयरिंग सीट्स वगैरह को भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं व एक अच्छा सा एटमोस्फेयर हमारे चारों तरफ बन जाता है अगर हम इसको यूज करते हैं। अच्छी स्मेल आने लगती है, हमारे मैट्रेस हो गया और इन चीजों को भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं, जंक्स फ्री कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेमो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मैंने एक ग्लास पानी लिया, इसमें कुछ ड्रॉप्स बीटाडीन के डाले, ये एक आयरिस सॉल्यूशन है जो कि इम्प्योरिटीज को शो करता है। अब हम देखते हैं कि माइटिन वन से ये इम्प्योरिटीज किस तरह से क्योर होती है, किस तरह से सफाई होती है, किस तरह से जर्म्स, बैक्टीरिया, हमारा जो भी चीजें हैं उसके सरफेस से दूर होते हैं, किस तरह से क्योर करता है।
इसका स्प्रे थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए एज यू कैन सी पूरी तरह से जर्म्स खत्म हो गए, बैक्टीरिया किल कर चुका है। तो सभी लोग इसको यूज कीजिए। आजकल जो COVID-19 का दौर है, आप कहीं आते जाते हैं, आप अपनी कार में से यूज कर सकते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। अगर आप कहीं मेट्रो में जाते हैं, रिक्शास में जाते हैं, तो इससे पहले उस सरफेस पे डालिए, जर्म्स किल कीजिए और एश्योर हो जाइए कि आपका जो एनवायरमेंट है पूरी तरह से जर्म्स फ्री है। जो भी आपके घर में कोई सामान डिलीवरीज आती है उस पे इसको अच्छे से स्प्रे कीजिए, तो कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जर्म्स बिल्कुल किल हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये डेमो अच्छा लगा होगा, शेयरिंग कीजिए। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड सुनीता जी, बहुत बहुत तालियां। आपने बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया मोदी केयर के प्रोडक्ट का, और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी शिखा श्रीवास्तव। शिखा श्रीवास्तव जी हैं, अनम्यूट कर दिया है मैम मैंने आपको। यस मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद। आज मैं आपको मल्टी विटामिन का, मोदी केयर का वेल का मल्टी विटामिन का डेमो दिखाने जा रही हूँ। तो हम ये, मैं एक ग्लास में थोड़ा पानी लूँगी और इसमें भी थोड़ा सा पानी डालूँगी। देन ये मैंने अपनी बॉडी बनाई है, और ये मैंने चावल लिए हैं थोड़े से, और ये मेरे सेल्स, ये सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है चावल के थ्रू। ठीक है, अब मैं इसको गंदा कर लूँगी अपनी दोनों ये बॉडीज को, और ये मैंने सेल्स को भी गंदा कर लिया। बीटाडीन क्या करता है, बीटाडीन हमारे बैक्टीरिया का भी काम करता है, और जैसे कि हम दिन में हमारी जो कोशिकाएं हैं वो जो बाहर के पॉल्यूशन से सारी चीज़ों से गंदी हो जाती हैं, या फिर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, और डॉक्टर्स हमसे भी बोलते हैं कि आप हेल्दी डाइट लीजिए। तो हेल्दी डाइट क्या है, हेल्दी डाइट हमें ये खुद को भी नहीं पता कि हेल्दी डाइट है क्या, क्योंकि हम तो जो खाते हैं वो हमें हेल्दी ही लगता है, लेकिन वो कहाँ तक हमें हमारी बॉडी को हेल्थ पहुँचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमें किसी को भी नहीं पता। तो मैंने ये दोनों इक्वल कर लिया है। अब मैंने ये अपना वेलकम मल्टी विटामिन है, जिसमें 12 विटामिन्स हैं, 8 मिनरल्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स हैं एंड 2 अमीनो एसिड है इसके अंदर। अभी क्या है कि थोड़ा मुझे इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैंने इसको ऐसे पाउडर फॉर्म में बना लिया है इसको। अब मैं इसमें हाफ अपने इस वाटर में मिक्स करूँगी, देन हाफ में बचा हुआ इसमें मिक्स करूँगी सेल्स में। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट होता है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिलाऊंगी, और ये जो मल्टी विटामिन है ये मल्टी पर्पज़ है, ये लाइफ सेवर है हमारे लिए, ये हमारी बॉडी में हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को प्योर करता है। देखिएगा अभी इसका रिजल्ट, देन मैं इसको भी मिक्स करूंगी। और ये हमारे पास एक जो मैं अभी तक यूज़ करती आई थी बिफोर मोदी केयर, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, इसका भी एक मल्टी विटामिन का कैप्सूल है जो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मैं आपको 2 टाइप से मल्टी विटामिन का डेमो करके दिखाऊंगी। देखिए अगर आप सबको दिख रहा है तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सेल्स को कितनी जल्दी इसने, देखिए वाओ, देन देखिए ये, और ये कुछ भी काम नहीं करता। और ये मल्टी विटामिन जो है ये हमारे हार्ट को क्योर करता है, हार्ट को जवान रखता है, देन ये इनफर्टिलिटी को भी ठीक करता है, जिन लेडीज़ में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उसको भी क्योर करता है, और ये हमारे ब्लॉकेज, माइंड में ब्लॉकेज नहीं होने देता, ब्रेन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, देन मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। ये हमारा एक छोटी सी टैबलेट बहुत सारे काम में बहुत सारी जगह यूज़ होती है और हमें हेल्थ प्रोटेक्ट करती है। देन ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी डाउन करके रखता है, और जो हम लोगों में एक प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ में कि एक वीकनेस आ जाती है, हमसे काम नहीं होता है, एनर्जी नहीं रहती, अगर आप एक टैबलेट डेली लेंगे तो आपको विद इन 10 डेज में ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच शिखा जी, बहुत ही अच्छा आपने आज हमें नॉलेज दी कि मल्टीविटामिन का इस तरह से डेमो, नया डेमो आप लेके आए हो, थैंक यू सो मच।
थैंक यू अब मैं पूजा राणा नेक्स्ट जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी, पूजा राणा जी ये दिख नहीं रही है। सुनीता जी पूजा राणा जी हैं? हेलो पूजा राणा जी हैंड रेज करिए। पूजा राणा जी इतना टाइम नहीं है, दिख नहीं रही है पूजा राणा, एक उभरती हुई लीडर है हमारी, बट मुझे सुनीता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनीता जी एक मिनट अनम्यूट कर लो। सुनीता खंडूड़ी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो सुनीता, सुनीता खंडूड़ी जी चलिए। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी पूजा जी है नहीं आज मैम? पूजा जी एक मिनट मैम, मैं थोड़ा कंफर्म करके बताती हूँ, अभी तक तो उन मीटिंग में थी। चलिए क्योंकि इस सेशन के लिए लेट हो रहे हैं। पूजा रावत, शी इज पूजा रावत। पूजा रावत, हाँ पूजा रवि रावत। पूजा रवि रावत एक मिनट है, पूजा रावत मैम। एक डेमो और है को मैं तो उनको बोलिए थोड़ा हैंड रेंज करिए ताकि मुझे आसानी हो उनको अनम्यूट करने के लिए। पूजा जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो हैंड रेंज करिए। ओके ओके ओके, हाँ जी अनम्यूट कर दिया है आपको। हेलो यस मैम। हेलो हाँ जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मैं पूजा रावत, मैं यहाँ पे इस विनोद नगर इस गली से वेस्ट विनोद नगर में हूँ। मैं अभी कंसल्टेंट लेवल पे हूँ, अभी मैंने इसी महीने मेरी ज्वाइनिंग हुई है, मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ। और मैं अपनी अपलाइन सुनीता मैम, रेखा नौटियाल मैम और प्रदीप सर का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने मुझे, मैं न्यू ज्वाइनिंग, मुझे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया है और मेरे को यहाँ पर सब लोगों के बीच में एक आज डेमो देने का मौका दिया। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबके साथ आज जो डेमो करूंगी वो करूंगी आज हैंड वॉश का, सोप वॉश, हैंड वॉश, जो हमारा मोदी केयर का हैंड वॉश है, ये एक बेहतरीन हैंड वॉश है जो 3 different variants में, फ्लेवर्स में, आप कह सकते हो फ्रेग्रेंस में आता है। हम मार्केट में आजकल जो हमारा COVID-19 का टाइम चल रहा है, हम देख रहे हैं कि सब लोग हाथ धो रहे हैं, हाथ धोना सिखा रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट्स में भी सब जगह सिर्फ हाथ धोइए, 20 seconds धोइए, हर तरीके से सिर्फ हाथ धोना सिखाया जा रहा है। लेकिन हमें ये भी दिखाया जा रहा है आप किसी भी साबुन से धोइए, किसी से भी धोइए, लेकिन हमें ये खुद भी डिसाइड करना है कि हमें किस कोई कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लें जिससे कि हम सच में बैक्टीरिया किल कर रहे हैं और हमारे लिए क्या सही है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे डेमो करके दिखाऊंगी जिससे आपको और हम सबको ये क्लियर होगा कि हमें कौन सा हैंड वॉश हमारे लिए अच्छा है और हमें क्या यूज करना चाहिए। फर्स्ट मैं आपको, हम हाथ धोते हैं, पानी लेते हैं सब लोग। मैं आपको यहाँ पर 3 glasses में, ये 3 हाथ हैं जो 3 अलग अलग लोग धोगे, ये 3 glasses में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि जब हम हाथ धोते हैं तो हमारी बॉडी ऐसी बनाई है जो हमारे छिद्र होते हैं उनमें से पसीना आता है, तो वैसे ही पसीना जो हमारे हाथ होते हैं उनमें से भी आता है, हमारी हथेलियों से। तो हाथों में जो पसीना होता है उसमें हम सब जानते हैं कि वो नमकीन होता है, नमक होता है। तो इसके लिए मैं हमारे हाथ है ये 3 हाथों में नमक डाल देती हूँ। ये नमक है जो हम खाने में यूज करते हैं, सब में मैंने इक्वल क्वांटिटी में नमक डाल दिया।
अब उसके बाद मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, मार्केट का जाना माना हैंड वॉश 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड में काम करने को कहता है। ये मैं आपको इस क्लास में डाल के दिखाती हूँ। उसके बाद एक बेहतरीन प्रोडक्ट, एंटी हर्बल बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ये भी हैंड वॉश कहता है और कहता है 100% जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। अब हम इससे हैंड धोएंगे और उसके बाद जो ये हमारा है मोदी केयर का सोप वॉश हैंड वॉश, हम इसको अपने हाथों पे लगाते हैं। आइए अब हम अपने हाथ धोते हैं। फर्स्ट हमने अपने मोदी केयर का जो हमारा सोप वॉश हैंड वॉश है उससे हम हाथ धोते हैं। इसी तरीके से अब हम हमारे ये वाला जो प्रोडक्ट हमने इसमें डाला है इससे हम हैंड वॉश करते हैं। हम हाथ धो रहे हैं इस टाइम पे, क्या कर रहे हैं हम हाथ धो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट हमने इसमें डाला था इससे भी हम हैंड वॉश कर रहे हैं। मैम तीनों ग्लास दिख रहे हैं ना, विजिबल है? हाँ जी। ये हम हाथ धो रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, हाथ धो लिए हमने तीनों से। अब हमारा जो ये मोदी केयर का है हमने इसमें हाथ धोया और आप ये देख सकते हो कि ये ग्लास पूरा बिल्कुल बिल्कुल ये घुल चुका है, इसमें डिजोल्व हो चुका है और ये हमने अपने हाथ बिल्कुल तरीके से धो लिया, हमारे हाथ बिल्कुल साफ है। अब हम देखते हैं ये जो हमने दूसरा इसमें मिलाया है, ये जो हमने अपने हाथ धोया आप इसमें देख सकते हो, ये देखो किस तरीके से ये पूरा मिक्स नहीं हुआ है। और मैं आपको अगर क्लियरली इसको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये वैक्स, ये पता नहीं क्या है, क्या केमिकल है, वैक्स है, प्लास्टिक है, व्हाटएवर पता नहीं क्या है, लेकिन ये देखिए विद इन अ सेकंड मैं कहूंगी ये पूरा देखिए बाहर निकल कर आ गया, ठीक है। ये तो हमारे ये था। अब नेक्स्ट भी हमने एक और लिया था तो ये जो है ये भी हमने हाथ धोए, आप इसमें भी देखेंगे, ये देखिए इसमें भी यही सेम ये प्लास्टिक वैक्स व्हाटएवर इट अ केमिकल ये इसमें मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ लेकिन अभी देखिए इसमें अभी भी कोई रिएक्शन कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी जब हम हाथ धो रहे होते हैं तो ये जो प्लास्टिक है कहीं ना कहीं हमारे हाथों पे, हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बूढ़े सब लोग हैंड वॉश कर रहे हैं, तो ये वैक्स प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे हाथों पे रह जाता है, जिससे हम खाना खाते समय ये हमारे पेट में भी जाता होगा, जिससे हमें अल्सर कैंसर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीमारियां होती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा ये सोप वॉश हैंड वॉश है मोदी किया का, ये बेस्ट है, हम सबको ये यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा जी। और सभी लोगों ने यहाँ पे जो डेमोंस्ट्रेशन देखा उससे पता लग गया होगा मोदी केयर प्रोडक्ट की क्वालिटी, और बाकी जब हम खुद यूज करते हैं तब हमें इन सब चीजों का ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, ज्यादा इसका नॉलेज होता है। तो चलिए हम वापस चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे मोदी केयर के प्रोडक्ट की, तो सभी लोगों का मैं एक बार दोबारा से जिन जिन्होंने डेमो दिखाया यहाँ पे उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, और बहुत अच्छे से उन लोगों ने यहाँ पे डेमो दिखाए हैं। और अब मैं वापस वेलकम करती हूँ आप सभी का। मोदी केयर के प्रोडक्ट आप लोगों ने देख लिए हैं और इतनी सारी रेंज है मोदी केयर में। मैं बात करूं कि कई कंपनियां ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि मात्र स्किन केयर पे या मात्र हेल्थ के प्रोडक्ट पे ही काम करती है, वहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ हेल्थ पे और ब्यूटी पे ही काम कर पाते हैं। लेकिन हम मुझे प्राउड हो रहा है मोदी केयर के बारे में कहने के लिए कि इतनी सारी रेंज है हमारे पास, जो कि डेली बेसिस हम सुबह से लेके दूसरी सुबह तक जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो सारे मोदी केयर हमें अब प्रोवाइड कराता है। और फिर भी अगर हम लोग नहीं कर पाते तो ये हमारी ही कमी है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं। अब हमने प्रोफाइल देख लिया है, हमने प्रोडक्ट देख लिया है, अब बात करते हैं हम प्लान की। दोस्तों इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है मोदी केयर समीर मोदी जी आजादी प्लान है। यहाँ पे 62% पे आउट दिया जाता है, बांटा जाता है। दूसरा ये एक्युमुलेटिव प्लान है, आपको कभी भी आप जीरो आपका वापस जीरो नहीं होते हैं,
आप हर महीने जो है ऊपर को बढ़ते जाते हो, आपका पिछला जो भी आपका पॉइंट वैल्यू है वो आपका जुड़ते हुए क्रम में आप जो है आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, आपका लेवल बढ़ता जाता है। आपको एक बार यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा, आपका जो टाइटल यहाँ पे होता है वो आपको एक बार अचीव करना होता है और नेक्स्ट बार आप उससे ऊपर के लेवल पे जाओगे, लेकिन कभी भी आप अपने टाइटल से जीरो नहीं होंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जिन कई लोगों को पता नहीं है लेकिन एक्चुअली होता ये है कई कंपनियों में कि हम इस महीने जो काम करते हैं फिर अब नेक्स्ट मंथ जब हम काम करते तो हमें दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने एक आधार आपने आपकी फ्री ज्वाइनिंग है और आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, जैसे कि आपने अभी देखा जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जो कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आपको दिए जाते हैं। मोदी केयर का एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जिसके थ्रू आज हम घर बैठ के कोरोना काल में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं, अपनी टीम को बेहतर बना रहे हैं और अर्निंग बढ़ा रहे हैं। दोस्तों समीर मोदी आजादी प्लान में 8 एरियाज हैं, 8 तरह से यहाँ पे इनकम आती है, तो मैं एक एक करके विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है रिटेल प्रॉफिट, सेविंग एंड रिटेल प्रॉफिट। दोस्तों सबसे पहले जब आप मोदी केयर में आधार कार्ड आप देते हो, आपकी ज्वाइनिंग लगती है, तो आप हमेशा लॉन्ग लाइफ आपको क्या मिलता है, एमआरपी से छुटकारा। आपको यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, एमआरपी आप भूल जाओ मोदी केयर में आके। दूसरा आपको होता है रिटेल प्रॉफिट। अब आप अपनी सपोज 120 का प्रोडक्ट है, आपने आपको जो है आप मोदी केयर में कंसल्टेंट हैं तो आपको 100 रुपए भी मिला तो आपके 20 रुपए यहाँ पे खुद की खरीद पे बचत हुई। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आपने अपनी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को दिया, तो अगर आपने 120 में दिया आपको ये मोदी केयर से मिला 100 रुपए में, तो आपको 20 रुपए यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट हुआ। सेकेंड है हमारी लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ही इसका बहुत बड़ा हाथ है हमारी लॉयल्टी प्रोग्राम का। लॉयल्टी प्रोग्राम समझते हैं, आपको यहाँ पे मिनिमम जो यहाँ पे यहाँ की इसकी वो है 2500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम में आ सकते हैं। 2500 से लेकर आप 5000 तक जो है हर महीने, अगर आप 6 महीने तक लगातार 2500 से 5000 तक सामान लेते हो तो 7वें महीने आपको उसी एवरेज का सामान फ्री दिया जाएगा। और ये हर महीने की 15 तारीख तक इसकी लिमिट होती है, 15 तारीख तक घर का सामान आता है, घर की राशन आता है, घर की सैलरी आ जाती है, इसीलिए कंपनी ने सब कुछ सोच समझ के रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने फर्स्ट मंथ 5000 का सामान लिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन सिक्स मंथ तक आपने 5000 का सामान लिया, तो सेवंथ मंथ में आपको यहाँ पे 5000 का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, वो भी आपकी मन पसंद का। ऐसा नहीं है कंपनी आप पे कुछ ठोकेगी। तीसरा, यहाँ पे अगर आप 7 महीने भी यहाँ पे आप बिलिंग कराते हो लगातार, आप 12 महीने तक, 1 से लेके 12 महीने तक आप लगातार यहाँ पे लॉयल्टी उठाते हो, तो 13वें महीने आपको डबल मतलब 5000 की जगह वहां पे आपको 10000 रुपए का सामान फ्री दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 से लेके 12 महीने तक सामान लेते हो तो आपको 3 महीने यानी 15 महीने तक 3 महीने का सामान फ्री दिया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 7 से लेके और 22% तक होता है। ये आप यहाँ पे शुरू होता है, आपने आपकी पॉइंट वैल्यू 1 से लेके 300 तक आप 7% पे होते हो, और फिर अगर आप 300 से लेके 1200 आपका पॉइंट वैल्यू हुआ तो आपका जो लेवल होता है कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट हो जाता है, परसेंटेज लेवल आपका 10% होता है। इस तरह से 10 आप, मैंने जैसे पहले ही बताया कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि 10 से आप 13 पे आते हो, 13 से 16, 16 से 19, 19 से आप 22% पे आके आप खुद की खरीद पर आप 22% तक की प्रॉफिट पा सकते हो। इसके बाद आता है हमारा लीडरशिप क्वालिफिकेशन। दोस्तों आप 22% पे आए और आप हो गए यहाँ पे डायरेक्टर, और आपने 1250 पॉइंट पीजीबी करके आप यहाँ पे डायरेक्टर क्वालिफाई हुए। लेकिन आप, क्योंकि आपने जो किया तो आपकी टीम भी वही करेगी, वो भी बढ़ते हुए क्रम में धीरे धीरे ऊपर को आएगी, तो अगर आपके नीचे यहाँ पे एक डायरेक्टर क्वालिफाई होता है तो आप यहाँ पे बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर। आपको 1100 पीजीपी भी होना चाहिए और
अब अगर आपके दो लेग डायरेक्टर क्वालिफाई होते तो आप होते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तीन होते तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस तरह से आप लगातार ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर तक जब आपकी 14 लेग हो जाती है तो यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट लेवल है वहां तक आप धीरे 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 आप अपनी इस लेवल तक पहुंच जाते हो। दोस्तों इसके बाद जो हमारा जो इनकम है वो है डायरेक्टर बोनस। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे आप 22% पे आते हो आप डायरेक्टर होते हो, और अगर आप अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो तो आपको मिलता है 14% पूल के हिसाब से डायरेक्टर बोनस, जो कि कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम से आपको 14% पूल के हिसाब से बांटा जाएगा। ये हमें 9 जनरेशन तक मिलता है, माना आपके नीचे एक डायरेक्टर दो डायरेक्टर, मतलब 9 जनरेशन तक आपको इसका बेनिफिट पा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी इनकम है और यहाँ पे वो है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, जो कि कंपनी के बिजनेस मंथली बिजनेस वॉल्यूम से 15% पूल कंपनी बांटती है सबको, और यह इसके लिए आपको सीनियर डायरेक्टर होना जरूरी है और आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर होना जरूरी है, और तब अगर आपके एक लेग से 3600 जीपीवी होते हैं और आप साइड मेंटेन करते हो तो आप विजिबल हो जाते हो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस को पाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे आउटबाउंड ट्रेवल फंड। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, मोदी केयर में कुछ भी झूठ नहीं बोला जाता है। मोदी केयर में टूर फंड दिया जाता है जब आप सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हो। आप डायरेक्टर हो, आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हो, आपके नीचे एक डायरेक्टर हो जाता तो ऑलरेडी आप सीनियर डायरेक्टर हो जाते हो और आप यहाँ पे विजिबल हो जाते हो 3% पूल के हिसाब से ट्रेवल फंड पाने के लिए। और आप देख रहे होंगे ये मैं यहाँ से ले चुकी हूँ, जैसे कि सर ने भी बताया, और मैं ही नहीं ले चुकी हूँ, हम अपनी अपलाइन और अपनी टीम के साथ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ हम खुद थाईलैंड होके आ चुके हैं, और हर साल 5,000, 6,000, 7,000 लोग जो है कंपनी थाईलैंड, मलेशिया, टर्की, हर देशों में यहाँ पे आपको जाने का मौका मिलता है। दोस्तों इसके बाद हमारा आता है ड्रीम व्हीकल फंड, जो कि कंपनी के 5% पूल के हिसाब से कंपनी बांटती है, जिसमें कि आपको अपने नीचे 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, उसके बाद उनको 3 मंथ जो है मेंटेन करना होता है और आप विजिबल हो जाते हो कार, अपनी ड्रीम कार के लिए। और दोस्तों ये मैंने भी लिया था यहाँ पे 14-15 महीने में, यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा नेक्सॉन में यहाँ से ले चुकी हूँ, कोई झूठ नहीं है, जो भी यहाँ पे है वो हम बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है ड्रीम होम फंड, जो कि आपको 3% पूल के हिसाब से मिलता है। इसके लिए आपको अपने नीचे 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर को 3 महीने मेंटेन कराना होता है और आपको मिल सकता है मोदी केयर से ड्रीम होम फंड लाइफ टाइम, जो कि आपको 1,20,000 तक मंथली मिल सकता है। दोस्तों मोदी केयर आपको टाइम टाइम पर छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक अवार्ड देती है। आईफा अवार्ड की तरह हमारे जो है फंक्शन होते हैं, आपको रिकॉग्निशन किया जाता है स्टेज पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सब सिर्फ हमारे अपलाइन, हमारी कंपनी की बदौलत हम कई बार, एक बार नहीं, यहाँ पे 2.5 साल में कम से कम कितनी बार हमें स्टेज पे जाने का मौका मिला है, हमें अवार्ड मिले हैं, ये सब कुछ नेम फेम हमें मोदी केयर से मिला है। दोस्तों मोदी केयर जो है, मोदी केयर के ट्रेनिंग से जो सपोर्ट सिस्टम है वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पे हमारा क्लासरूम जो हमारे लाइफ स्टाइल सेंटर है वहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग लेते हैं। हम आजकल हम कंप्यूटर पे ले सकते हैं जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है SPBM, दूसरा हमारे इस फोन पे हम लोग ले सकते हैं। हम घर बैठे आजकल आप देख पा रहे हो कोरोना में घर बैठे हमारी न की टीम बढ़ रही है बल्कि हमारी एक अच्छी इनकम भी हम इंजॉय कर रहे हैं, और हम कोई टेंशन भरी लाइफ नहीं बल्कि हम लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं घर बैठे, और लोगों को भी ये मौका दे पा रहे हैं। दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगी कि भले ही अप डाउन हो बिजनेस में चलता है, हमेशा एक सीधी लाइन नहीं होती है, इंसान को भी जिंदा रहने के लिए उसकी धड़कन अप डाउन जरूर चाहिए। तो आप लोग बिजनेस में भले ही अप डाउन होता रहे, कई लोग आएंगे कई लोग जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल यहाँ से जाना नहीं है, आप क्विट मत करना, आप लगे रहना, लगे रहोगे तो आपको जरूर यहाँ पे सफलता मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी एक ना एक दिन दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी।
सो थैंक यू सो मच और मैं अपना सेशन यहाँ पे क्लोज करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं वापस सर को पोस्ट बनाती हूँ। हेलो। सो फैंटास्टिक रेखा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपने बताया। और ये मैं कहूंगा कि कोरोना का कमाल है कि जो तीन महीने में ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा है आपके कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज द मैं नो डाउट आपकी प्रैक्टिस और कहीं ना कहीं सजेंदर जी और आप दोनों ने मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस की है और अच्छा आपने इसको जूम मीटिंग्स में अपनी टीम को भी सिखाया है। आपकी पूरी टीम के जो डेमोस थे बहुत बढ़िया, पूजा जी, सुनीता खंडूरी जी एंड थर्ड वन इज हमारे शिखा जी, तो बहुत बहुत बढ़िया रहा इन सबका। और मेन मैंने आज काफी चेंज देखा है। मैं कहते ना जिन रेखा जी को मैं जानता था पिछले 2 साल से, आज उसमें बहुत चेंज आया है। एंड सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर आपकी टीम के लिए और आपकी अप्लायंस ममता जी और गिरी जी के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। सो आपकी टीम बहुत अच्छा सीख रहे हो और आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से सिखा रहे हो। और ये मुझे कहीं ना कहीं ये चीज सबको समझना चाहिए कि जूम मीटिंग से आप बोलना और कॉन्फिडेंस सीख पा रहे हैं। कई बार हम स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं, बट जूम मीटिंग आपको ये और बहुत नॉनस्टॉप विदाउट एनी हेजिटेशन बहुत अच्छा, अपने इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी रही और बहुत शानदार आज का प्लान रहा है। उम्मीद करता हूँ सभी, सभी 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 सीखेंगे ऐसे ही और आपकी टीम इज डूइंग फंटास्टिक। सो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त रहा और बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। सो रेखा जी को आपने सुना, रेखा जी मैं आप सभी लोगों ने आज महसूस किया होगा कि दिस इज द प्रैक्टिस एंड ये सब जूम और प्रैक्टिस का कमाल है। तो आप सब भी कीजिए। और रेखा जी इसी से आपने स्टोरी सुन चुके हैं कि इन्होंने यहाँ से फॉरेन ट्रिप, यहाँ से गाड़ी, यहाँ से इनकम्स और अब इनकी टीम में भी गाड़ियां आने वाली हैं और आ चुकी है। सो और लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और आपके भी ऐसे ही बढ़ेंगे यदि सभी लोग इसी तरीके से सीखते जाएं। तो वाओ, आज कम टाइम में विद प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन सबने नए सीखे होंगे। तो आप भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच रेखा जी, सजेंदर जी। सजेंदर जी एक एक बिजनेस पार्टनर और हस्बैंड दोनों के लिए आज ये एक अच्छा प्राउड मोमेंट है। सजेंदर जी विश यू ऑल द बेस्ट। 6 बजे मिलेंगे आपसे आज हम। और मैं इतना ही कहूंगा कि 100 PP ऑफर आ चुका है, सबको मैसेज मिल चुका है। कल की वेट मत कीजिएगा, आज रात को 12 बजे से ऑफर स्टार्ट है, 25 तारीख 12 बजे से स्टार्ट है। सो फंटास्टिक, आप जिसके भी अभी बिलिंग्स के कुछ वेट कर रहे थे कुछ लोग, वो उसको कीजिए, अपने टाइटल्स बढ़ाइए। बट टाइटल्स के साथ मैं कहूंगा चेकमेट पे ज्यादा काम कीजिए, चेक वहां से बढ़ेगा। सो आपने लॉयल्टी प्रोग्राम पे, हमारा अभी 25 तक लास्ट है लॉयल्टी प्रोग्राम को, पता है कि 6 महीने यूज करना है, साथ में मैंने आपको एवरेज ऑफ 6 मंथ सामान फ्री मिलेगा। तो जिसकी लॉयल्टी नहीं हुई है उसको अभी भी कर लीजिए कल तक, साथ में 100 PP का ऑफर भी मिल रहा है आपको। तो सोने पे सुहागा वाली बात है, कंपनी हर चीज लेके आती है। नो डाउट दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सो सेफ्टी भी रखिए और विद सेफ्टी काम कीजिए। जूम का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, डोंट वरी, कैलिफोर्निया कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, विकिपीडिया पे जाके आप पढ़ सकते हैं। मैंने आज 3rd month रिन्यू कर लिया है क्योंकि मुझे अभी और कोई दूसरा ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो हम इसी को जारी रखेंगे। और रेखा जी मैं ये आपके थ्रू मैसेज है, यदि आप जस्ट फाइंड आउट, यदि बिट्टू मुंद्रा मैडम, हमारे डॉक्टर बिट्टू मुंद्रा मैडम जो आपकी टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, वो इफ दे हैव टाइम टुमारो, सो 3 बजे यदि टाइम है तो उनसे कंफर्म करके मुझे आज बता दीजिएगा शाम के 6 बजे तक, सो वी कैन प्रमोट। और शायद डॉक्टर साहब तो हैं, शायद नहीं
आप डॉक्टर बिट्टू मुंद्रा मैडम से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी आजकल हम हाउसवाइफ्स को ज्यादा मौका दे रहे हैं। जेंट्स डॉक्टर साहब का प्लान तो आप सुन चुके हैं, और आप फिर से आगे जैसे ही जेंट्स का सुनेंगे हम फिर से मौका मिलेगा। अभी हम डॉक्टर बिट्टू मुंद्रा जी से आप फाइंड आउट कीजिए, इफ ही इज कंफर्टेबल विद टाइमिंग टुमारो 3 o'clock तो हम उनसे प्लान कराना चाहेंगे। और मुझे जयप्रकाश जी, आप भी रेडी रहिए जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी की बड़ी मैंने तारीफ सुनी है, तो मैं उनका भी प्लान चाहूंगा। विशाल, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, डॉली जी विशाल जी को कहिएगा यू शुड बी रेडी। यदि कल बिट्टू मुंद्रा मैडम का इफ कंफर्टेबल तो वो करेंगे, फिर उसके बाद हम विशाल से कराएंगे, देन हमारा, मैंने अभी जयप्रकाश जी का नाम लिया, और उसके बाद बहुत सारे लोग पाइपलाइन में, किसी ने अभी तक वीडियो भेजी नहीं है। जो मुझे अपनी वीडियोस भेजेगा, जिनका मुझे फीडबैक है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। जो प्लान करते हैं और उनका कोई वीडियोस है तो देन सेंड मी। सो आज उम्मीद करता हूँ सभी लोग